नमस्कार, आप सबों का तिब्रज किचन में एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आ रहा हूँ। और आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड कबाब। आपने सीख कबाब सुना होगा, पनीर कबाब सुना होगा, बट आज थोड़ा अलग करते हैं और ब्रेड कबाब बनाते हैं। ये हेल्दी भी है और आप इसको क्विकली बना भी सकते हैं, और घर में जो ज़रूरत की जो चीज़ें है उपलब्ध उसी से आप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हम पानी लेंगे और जो ये हमारा ब्रेड है उसको आपको पानी में डिप करके निकाल लेना है। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखने के लिए चार ब्रेड लिए, आप अपने हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। और ये मैंने सभी ब्रेड को डिप करके पानी में निकाल लिया। बस आपको ब्रेड डिप करके निकाल लेना है। हुए ब्रेड थे वो मैंने ले लिए, जिसको हम एक बाउल में लेंगे। इसको एक जगह रखेंगे और आपको इसको मैश करना है। आपने जो ये ब्रेड लिया है इसको आपको अच्छे से मैश करना है, मिलाना है। मैं इसको मैश कर देता हूँ। इसे डिप करने की वजह से क्या पानी में हो गया तो ब्रेड अच्छे से मैश हो जाएगा आपका। इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। अब इसमें हम थोड़े वेजिटेबल्स डालेंगे। आइए मैं एक बार आपको जो सामग्री है वो फिर से दिखा देता हूँ। तो ब्रेड है जो पहले मैंने पानी में डिप करके यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए सूजी है, आपको सूजी लेनी है एक कटोरी। ये चार ब्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है, प्याज है, आपको बारीक कटा हुआ लेना है। शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, और थोड़ा सा बेसन। जितना आप सूजी लेंगे उसके आधा आपको बेसन लेना है, वो आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर कुछ और भी हरी सब्जी जैसे आपके पास गाजर है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मटर है तो वो ग्रीन मटर है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावे बाकी आपके चाट मसाले, नमक और हल्दी आएंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं सूजी। ये हमने सूजी डाला। अब हम ये डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और ये शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च और ये देखिए बेसन। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आपको पता है स्वाद के अनुसार ही डालना है। ये हमने नमक डाल दिया। अब डालेंगे चाट मसाला स्वाद के लिए। और इसके बाद अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाकी के मसाले में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, आप समझिए सब हाफ टी स्पून जितना है, और हल्दी जो है हाफ का हाफ टी स्पून जितना है। अब ये जो है हमारा एक तरह से ये पूरा तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इसको मिक्स करना है। तो देखिए धीरे धीरे इसको मिक्स करिए। इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्रेड जब हमने पानी के अंदर किया था तो वो ऑलरेडी पानी है इसके अंदर। तो आपको अब आपको कुछ करना नहीं है, बस सारी चीज़ें मिक्स करनी है। धीरे धीरे आराम आराम से इसको आप मिक्स कीजिए। इसमें अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो आप काली मिर्च का तीखा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ अगर आप ध्यान रहे, आपको अगर ऐसा लगे कि आपका जो ये तैयार हो रहा है बैटर या लोट, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ढीला है तो आप इसको थोड़ा और बेसन चाहे तो डाल सकते हैं। बेसन से ये ख़राब नहीं होगा, और क्योंकि इसकी क्या टिक्की बनानी, तो आपको ऐसा हो कि इतना तो हो कि आप इसकी टिक्की बना सकें, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से बेसन आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो
ये लोट है वो बहुत गीला है, क्योंकि आपको टिक्की बनानी है, टिक्की जो है बननी चाहिए। अगर टिक्की नहीं बनती है तो आपको लोट को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, और इसके लिए आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये लोट, हाँ, अब एक चीज़, अगर आपको लगता है कि आप अगर लहसुन खाते हैं तो आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं स्टार्टिंग में ही, बच्चों की मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बच्चों को मेरे पसंद नहीं है ज़्यादा लहसुन, तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। तो आप चाहें तो एक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, तो उसका एक अलग फ्लेवर आएगा और आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब चूँकि देखिए हमारा ये लोट तैयार है, हमको इसके छोटे छोटे गोले बनाने हैं, एक्चुअली टिक्की की तरह आपको बनाना है, बस थोड़ा सा ऐसे आपको बना के, और सीधा हम इसको तवे पे रखते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे करें, और अगर आप नहीं बना पाते तो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो हम अब थोड़ी देर छोड़ दीजिए इसको, मसाले को, और थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप इसे ऐसा बना के आप इसको रखिए। आपको ये शेप देना है, देखिए ये शेप। आप चाहे तो सीधा तवा, अगर आप गर्म है तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आप सीधा तवे पे भी रख सकते हैं। तो चलिए वो दिखाता हूँ आपको। पैन हमने ले लिया, अब थोड़ा पैन को गर्म होने दीजिए, और देखिए जब पैन गर्म हो जाए तो आपको इसमें आपको ऑयल डालना है। ऑयल डाल दीजिए इसके अंदर, और इसको आप पूरे पैन में फैला दीजिए, और फैलाने के बाद जो टिक्की की हम बात कर रहे थे, आप शेप प्रॉपर दे दीजिए इसको टिक्की को, और शेप देके इसको यहाँ पे रखते जाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप सीधा इसको रख सकते हैं, ये देखिए मैं एक एक करके रखता हूँ, और आँच बिल्कुल कम करके रखिए ताकि क्या है चीज़ें बिगड़े ना, और आपको कम आँच ही रखनी है, और जो आपका तवाब है आप पूरे तरह पे देखिए, हाथ पे ही आपको बनाना है, फटाफट बनाते जाइए और इसको रखते जाइए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको लगे कि आपका आटा ज़्यादा गीला है तो आप और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने आटे को कड़क कर सकें, और इस तरह से देखिए, ये देखिए मैंने हाथ पे लिया और तो बना रहे हैं। आपको पता है घर में रोटी का लोई बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो आपको ये पता ही है, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं रहा हूँ। और ये मैं रख दिया, मैंने जितनी भी जगह बच रही है सब जगह इसको हम रखेंगे। इस हिसाब से सारी चीज़ें तैयार है यहाँ पे, अब आराम आराम से इसको धीमी धीमी आंच पे पकने दें। क्योंकि ये सट गया तो मैं इसको ज़रा काट देता हूँ ताकि क्या दोनों अलग अलग रहे, और आप देखेंगे अंदर से एक एक जो है सब अलग अलग हो रहे हैं। तो थोड़ा बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर। और बात करते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब हम खाना बनाते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम फ्राई कर रहे हैं और पका रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि वो बहुत धीमी आंच पे, क्योंकि आप जितना धीमी आंच पे करेंगे आपका उतना ही स्वादिष्ट बनेगा और उतना ही अच्छा बनेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में आंच तेज़ कर देते हैं और आंच तेज़ करके बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करने का। तो मैं आप सबको फिर से एक बार बता दूं सारे इंग्रेडिएंट जब तक ये हो रहा है। तो इंग्रेडिएंट में आपको चाहिए ब्रेड, आपने लिया सूजी, बेसन, अनियन, ग्रीन चिली, शिमला मिर्च, और चाट मसाला,
सादा नमक, और अगर आप चाहते हैं कुछ अलग फ्लेवर तो आप गार्लिक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और वेजिटेबल्स में क्या आप मौसम के हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब देखिए अंदर से मेरा पक गया है, तो मैं इसको पलटता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पीछे भी पूरा हो गया एक साइड, अब मैं दूसरी साइड कर रहा हूँ। और ऑयल के लिए देखिए आप कोई भी ऑयल कर दें, मैं सनफ्लावर यूज़ करता हूँ बट आप किसी भी ऑयल में कर सकते हैं। तो ये आपका कबाब देखिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब इसके लिए मैं क्या थोड़ा सा, जब तक ये तैयार हो रहा है मैं थोड़ा इसके लिए सलाद काट लूँगा इसकी ड्रेसिंग के लिए। आइए पक रहे हैं, हम थोड़ा सलाद काट लेते हैं। तो हम थोड़े रिंग बनाएंगे इसके गार्निशिंग के लिए, और साथ में इसके साथ आपको अनियन का जो सलाद है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हमने काट लिया और इसके हम रिंग निकाल लेते हैं। हम ये सारे रिंग निकाल लिए ये देखिए, और ये जो चिली है बस इसको हम बीच से दो टुकड़े कर देते हैं। इसके साथ आप मीठी चटनी, तीखी चटनी कुछ भी डालेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये सलाद तैयार है हमारा, देखते हैं कि हमारा कबाब कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए अंदर की साइड से अब ये पकने लगा है। आप आँच को स्लो और मीडियम के बीच में रखें, आप देखिए आपका कबाब बहुत अच्छे से तैयार होगा। और ये पक रहा है, थोड़ा और पकने देते हैं, तब तक हम तैयारी करते हैं। तो ये मैंने तैयारी हम थोड़ी अच्छी करेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक मध्यम आँच पे धीमे धीमे आँच पे आप इसको पकने का इंतजार कीजिए, और फिर हम बात करेंगे। याद रहे धीमी धीमी आँच पे आपको इसको आराम आराम से पकाना है, तो ही आपको एक्चुअल स्वाद मिलेगा। कबाब की खासियत, जब भी हम कबाब की बात करते हैं तो उसकी खासियत होती है कि वो धीमी धीमी आँच पे पकनी चाहिए। और ये मैंने धीमी धीमी आँच पे देखिए इसको पकाया, अभी धीरे धीरे पक रहा है। ये अब मेरा रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट आपको इसको पकाना है धीमी आंच पे। और ये अब मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको निकालूंगा प्लेट में। देखिए मैं ये निकाल रहा हूँ, निकाल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेडी है। अब मैं इसको सर्व करने से पहले इसमें जो बाकी की बची हुई है वो मैं पका दूँ, तो क्या ये पकते रहेगा तो मैं बाकी का काम आसानी से कर पाऊँ। ये भी अपना धीरे धीरे पकता रहे, और मैं प्लेटिंग भी कर लूँ एक प्लेट की। साइज शेप आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको याद होगा घर में आप भजिया बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, बस बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये आपके नाश्ते की रेसिपी और जल्दी तैयार हो जाएगी, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा, बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा। कभी भी आपके घर में अगर आपके पास इमीडिएट गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए बेस्ट स्नैक्स रेसिपी है, आप उनको सरप्राइज कर सकते हो। समय नहीं लगता, 20 मिनट में आपका ये सारा काम हो जाएगा, रेडी हो जाएगा आपका, रेडी टू सर्व है। तो
और अगर मान लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको हाफ फ्राई करके रख सकते हैं, और जब गेस्ट आए तो वापस से इसको पूरा अच्छे से सेक, सॉटे करके अच्छे से सेक के आप अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। तो आप कई तरीके से, बट ये है कि आपका ये क्विकली तैयार हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, अब हम लोग प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और हम ऑयल डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि ये पहला वाला ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे, तो बस अभी देखिए नीचे बिल्कुल चिपकानी है, हिल अंदर बिल्कुल चिपकानी है। उसको धीरे धीरे आराम से हल्की आंच पे होने दीजिए, तब तक हम प्लेटिंग कर। आप देख सकते हैं, देखिए इसको आप तोड़ के देख सकते हैं कैसा है। तो ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, जो आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी खिला सकते हैं, मैं किसको सरप्राइज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा मुझे वो बताइए, और आपके फीडबैक हैं कमेंट हो तो मुझे ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए नई रेसिपी जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।